की राहें, तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन। राजधानी दिल्ली में भाजपा द्वारा आयोजित यमुना चैलेंज ट्रॉफी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ ताहिरपुर के खेल परिसर में शानदार तरीके से आगाज होने के बाद आज तीसरे दिन बृहस्पतिवार को सभापुर खेल मैदान में दो मैच खेले गए, जिसमें सुबह के समय जनता कॉलोनी में बुराड़ी मंडल के बीच हुआ व शाम का मैच पूर्वी करावल नगर व झोरीपुर मंडल के बीच रहा, जिसमें सुबह जनता कॉलोनी व शाम में पूर्वी करावल नगर ने जीत दर्ज कराई। यह मैच काफी रोमांचक रहे। इस मैच की अध्यक्षता कर रहे बीजेपी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी ने बताया कि दोनों ही मैच शानदार रहे। आज सभापुर के इस मैदान में दो मैच हुए। सुबह एक मैच 9:30 बजे प्रारंभ हुआ, जो कि जनता कॉलोनी और बुराड़ी के बीच में था, जिसमें जनता कॉलोनी ने जीत दर्ज की, और दूसरा मैच पूर्वी करावल नगर और जौहरीपुर के बीच में था, जिसमें कि पूर्वी करावल नगर ने जीत दर्ज की। और इस प्रकार ये सक्सेसफुल मैचों की कड़ी में इस मैदान पर ये छठा मैच रहा, क्योंकि 3 दिन से मैच हो रहे हैं, करीब करीब 7वां मैच रहा अगर एक ताहिरपुर का मैच जोड़ें तो, 2 दिन यहाँ मैच हुए। और कुल मिलाकर जो ये स्थिति है कि इतने रोमांचक सारे मैच हो रहे हैं, इतनी टीमें संघर्षपूर्ण हैं कि जैसा सोचा नहीं गया था कि भी इतना संघर्षपूर्ण क्रिकेट होगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे श्री मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में जो ये काम किया है वो काम अविस्मरणीय है, और मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हिंदुस्तान में इससे पहले कभी हुआ है। और मैं समझता हूँ ये दिनों दिन जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि टीमें और जोश के साथ पार्टिसिपेट करती जा रही हैं, मैं समझता हूँ ये और भी रोमांचक होगा, और फाइनल जो 25 तारीख को फिरोज शाह कोटला में होगा, बहुत शानदार एक नेशनल मैच होगा। इन मैचों का उद्देश्य ये है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत तो खेल कूद से आपको पता होगा ही, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से क्रिकेट खिलाया जा रहा है, और जो कि बहुत हमारे देश का प्रचलित खेल है भारत जो है, उसके अलावा स्वच्छ भारत। यहाँ सभी खिलाड़ियों को ये कसम खिलाई जाती है मैच शुरू करने से पूर्व कि हम कोई भी गंदगी आसपास नहीं छोड़ेंगे, और अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाने में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करेंगे। सभापुर के अंदर पहला मैच जो मॉर्निंग में हुआ जनता कॉलोनी और बुराड़ी के बीच में, उसमें जनता कॉलोनी विजय हुई, और दूसरा मैच जो इवनिंग में हुआ उसमें करावल नगर पूर्व और झोरीपुर मंडल के बीच में मैच खेला गया, जिसमें करावल नगर पूर्व विजय हुई। और जिस प्रकार जहां पर सभापुर गांव के अंदर इस प्रकार का एक ग्राउंड जिसके अंदर मैच का आयोजन किया गया, और यहां पर हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने और मैंने मिलकर ये पूरा मैच एक साथ पूरा देखा, और बड़ा ही रोमांचकारी मैच रहा। ये जो आप जो देख रहे हैं यमुना स्पोर्ट्स ट्रॉफी, ये चैंपियनशिप जो मनोज भियानी, जो हमारे माननीय दिल्ली पदाध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने स्टार्ट करी है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस दिल्ली के युवाओं को जोड़ रहे हैं, उन्होंने सारे युवा एक साथ कर दिए हैं। आज चाहे किसी भी मंडल की टीम हो, लेकिन खेलती वो एक ही जोश से है। उन जितनी भी टीम खेल रही है, सबके दिलों में जो सम्मान मनोज तिवारी जी के लिए है ना, वो मैं बयां कर ही नहीं सकता। हर बंदे को उन्होंने एक ऐसा ग्राउंड दे दिया, जो हमारे युवा खेलते थे पर उन्हें ऐसा कभी ग्राउंड नहीं मिला, ऐसी कभी चांस नहीं मिला, आज उन्होंने ऐसा एक चांस बना के दिया। अगर कोई टीम जीतेगी तो उसे 5 लाख भी मिलेंगे, 3 लाख भी मिलेंगे, और 50,000 भी मिलेंगे। ये इनके लिए एक प्रेरणा है कि हम इसके साथ साथ स्वच्छता के साथ ये एक इनकी ताकत, इनकी चुस्ती फुर्ती में भी एक बढ़ोतरी आ रही है। लड़के नशों से दूर होंगे, ये सोचेंगे कि हमें खेलना है तो खेलना है, जो ऐब है उनसे दूर जा रहे हैं बच्चे। ये भैया के लिए मैं इसके लिए श्री मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इसके बाद मैं अपनी टीम के साथ यमुना जी पे भी जाऊँगा, क्योंकि हम जीते भी हैं और हम जीतते भी हैं तो भी हम यमुना जी पर जाते, सफाई का भी हमें ध्यान रखना है। अब सर बस जीतने की खुशी में अब हम सारे यहाँ से यमुना में जाएंगे और थोड़ी सफाई करेंगे। आज तो टाइम कम है, बाकी कल आज हमने छुट्टी किया मैच खेलने के लिए अपनी जॉब से, और कल भी छुट्टी करेंगे अपनी जॉब से हम, कल भी हम अपना यमुना में जाके सफाई करेंगे हम लोगों ने। इन खेलों का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर व दिल्ली यमुना को स्वच्छ बनाना है। इन खेलों के माध्यम से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे और घर घर से घर घर गली गली स्वच्छता अभियान को पहुंचाने में मदद करेंगे, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का आधार है। अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी तो हम स्वस्थ व खुशहाल रहेंगे। संदीप कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।